तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम खुद की परफेक्ट सेंसिटिविटी पे कैसे खेल सकते हो, एंड मैं कोई भी फालतू का इंट्रो नहीं देने वाला, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर दो तरीके हैं माउस यूज करने के, पहला होता है व्रिस्ट से खेलना एंड दूसरा होता है फुल अपने आर्म से खेलना। ठीक है, व्रिस्ट पे तुम अपने कम सेंस पे खेल सकते हो, बट आर्म में फायदा क्या, तुम इसमें और कम सेंस में खेल सकते हो, एंड तुम्हारी सेंसिटिविटी जितनी कम जाएगी ना उतना ज़्यादा तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। बट देन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा अपने माउस को मूव करने के लिए। तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोनों ही बताने वाला हूँ क्योंकि दोनों के सेंसिटिविटी अलग होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्रिस्ट के बारे में। तो व्रिस्ट के लिए पहले तो हमें एक माउस पैड चाहिए जो कि छोटे साइज का, क्योंकि मेरा जो है वो आर्म के लिए बना है, तो मैं यूज करने वाला येलो माउस पैड, ये काफी सारे लोगों के पास होगा। एंड यहाँ पर जो तुम स्पॉट देख रहे हो, ये यूजुअली मैं अपना हाथ रखता हूँ इसलिए ऐसा है। तो यूट्यूब पे क्या बताते हैं वो लोग कि तुम अपने माउस को यहाँ पर रखो एंड देन एक पोल के पास खड़े जाओ, देन तुम इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करो, एंड अगर वो पोल के पास वापस से पहुंचता है तो मतलब तुम्हारा सेटिंग ठीक है। बट आई फील लाइक ये एक बहुत बुलशिट तरीका है ढूंढने का। तो एक बेटर तरीका जो मैंने देखा है वो ये है कि जो तुम्हारा माउस है ना, तुम जितना ज्यादा एक पॉइंट से कंफर्टेबल हो तुम वहां से खाली करो। अगर इस पूरे माउस में मैं सिर्फ यहाँ से यहीं तक ही खेलता हूँ एंड मैं विस्ट प्लेयर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ तक जाऊँगा एंड देन फिर मैं अपना एम बिठाऊंगा। लाइक मैं पहले यहाँ पहुंचा, ठीक है, एंड देन मैं अपने माउस को पूरा जितना लेफ्ट जा सकता है कंफर्टेबली वहां पर रखूंगा। नाउ यहाँ से मैं अब इसको पूरा रोटेशन मारने वाला, देखो इतना किया तो देखो सिर्फ यहीं तक पहुँचा, इससे ज़्यादा पहुँचा ही नहीं। तो इससे समझ आ रहा है कि मेरा सेंसिटिविटी कम है, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो अब मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ 1 से लेके अराउंड, लाइक मान लो मैंने 1 से कर दिया 2.16, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि इतने में मेरा पूरा हो जा रहा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। अब देखो तुम्हारा माउस का जो माउस पैड साइज है प्लस तुम्हारा जो माउस का DPI है, इन दोनों पे वेरी करता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से देखो मैं कंफर्टेबली टर्न मारता, देखो मैं ऐसे स्टार्ट किया, एक पूरा टर्न मारा एंड देन मैं यहीं पर पहुँच गया, वापस ही पीछे होगा सेम, तो मेरा यहाँ पर वर्क कर जा रहा है, ठीक है। अब वंस यू फाउंड दैट सेंसिटिविटी जो कि तुम्हें कंफर्टेबल लगती है, तुम्हें इस चीज़ को लेना है एंड तुम्हें इसको इंटू कर देना है 0.25 से। तो हम सीधा लाइव वही करते हैं। देखो मैं जाऊँगा इधर, देन मैं गया कैलकुलेटर पर, कहाँ है भाई कैलकुलेटर, ओके, तो यहाँ पर देखो 2.16 इंटू जीरो, मतलब जीरो तो हो गया 0.25, तो इसको इंटू करने का देखो 0.54 जो ना, ये है तुम्हारी सेंसिटिविटी जिस पर तुम्हें खेलना है, एंड यही है वो सेंसिटिविटी जिस पर मैं खेलता हूँ पर्सनली। वैलोरेंट पूरे टाइम मैं इसी सेंसिटिविटी पर खेलता हूँ, एंड अगर तुम विस्ट चल रहे हो तुम ऐसे कैलकुलेट करते हो। तो ये हो गया व्रिस्ट। अब हम बढ़ते हैं आर्म सेंसिटिविटी की तरफ, जिनके पास बड़ा माउस पैड है, तो हम इस छोटे वाले को हटाते हैं। तो अब देखो, तो अब मेरे पास है बहुत सारी स्पेस पूरा माउस को मूव करने के लिए, देखो मैं कितना सारे मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, पहले तो अपनी सेंसिटिविटी कम कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है अब, क्योंकि इतना सारा मेरे पास स्पेस है। तो एंड इस बार मैं यहाँ से कंफर्टेबल हूँ पूरा यहाँ तक, ठीक है, मैं इतना में खेलता हूँ। ये आगे पीछे, ये ऊपर नीचे हो गया एंड ये मेरा लेफ्ट राइट हो गया, ठीक है। तो मैं जाऊँगा एक्सट्रीम लेफ्ट पे जहाँ से कंफर्टेबल हूँ एंड देन एम किया। नाउ वी गो 1 whole circle। अब इतने घंटा देखो मैं एंड पहुंच गया एंड मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हो चुका है मेरा परफेक्ट सेंसी, एक बार मैं तुम्हें बता दिया। तुम्हारा डेफिनेटली आगे पीछे होगा, अगर तुम्हें ज़्यादा आगे होता है ना देन सेंसी कम कर लो, ज़्यादा पीछे होता है देन सेंसी बढ़ा लो, एंड जब तुम परफेक्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे देन दैट्स योर परफेक्ट सेंसी। नाउ इसको हम ठीक करते हैं, तो उसके लिए क्या करो, जो तुम्हारा 0.7 है तो फिर से जाओ कैलकुलेटर पे। नाउ इस बार हम लोग आम प्लेयर हैं तो हमें और ज़्यादा कम सेंसी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग जो हमारा 7 देखे ना 0.7, इसको हम लोग इंटू कर देंगे 0.5 से, इक्वल्स टू 0.35 इज आवर ओरिजिनल न्यू सेंसिटिविटी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। सो वंस आई डू दैट एंड इस एंड 0.35 लगाने के बाद अब मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है एम करने में, एंड ये हमारा हो गया है। एंड बस तुम डेथ मैच वगैरह खेलते रहो, धीरे धीरे करके अपने आप तुम यूज्ड टू हो जाओगे इस चीज़ के। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट में जरूर लिख देना गॉट माई सेंसी, अगर तुम्हें सेंसी मिल चुका है। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।